थक जाएंगे तो इससे अच्छा फ्रेम कर लीजिए इसको, ठीक है। और ये नाउ यू कैन सी ये क्यूब कुछ डिफरेंट सा लग रहा है क्योंकि ये पर्सपेक्टिव मोड में नहीं है, अभी ऑर्थोग्राफिक क्यूब है। तो हम इसको पर्सपेक्टिव करने के लिए पर्सपेक्टिव नाउ अब ये क्यूब जैसा लग रहा है, ओके। ये फ्लोर ग्रेड है, फ्लोर ग्रेड फॉर फ्लोर लाइक ग्रेड जो नॉर्मल 3D एप्लीकेशन में रहती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे, जैसे मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, तो एक्स वाई एंड जी आप देख सकते हैं। तो ये बताएगा कि हमारी फ्लोर ग्रेड किस तरफ को ड्रा होगी। फॉर एग्जांपल वाई ग्रेड तो ये ऑब्जेक्ट के नीचे, अगर मैं एक्स ग्रेड को प्रेस कर दूंगा, एक्स एंड वाई बोथ, तो ये दो ग्रेड बन जाएंगे हमारी इन वाई एक्सिस एंड इन वाई एक्सिस एंड इन एक्स एक्सिस। मैं अभी के लिए एक्स एक्सिस को मत कर लूँगा, इसको क्लिक कर दिए छोटा सा, और या तो चाहे आप जैसे भी कंफर्टेबल लगे लोकल लोकल ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल ये ऑन है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो अब मैं जब ट्रांसफॉर्म करूँगा तो ये दूर से ट्रांसफॉर्म होगा। इसका एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर अभी तो मेरे पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है इसमें, जब आप कैश पे कंपोज करते चले जाते हैं और वो मल्टीपल सब टूल्स का हो जाता है, तो करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने डेमो हेड सोल्जर डेमो सोल्जर ले लिया डबल क्लिक, एंड देन अभी इसका लोकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो ये मेरे को थोड़ा सा रोटेशन में प्रॉब्लम देगा बनस्बत, क्योंकि वो इसके नज़दीक नहीं होगा। अगर मैं इसको ऑन करके रखूँ तो ये इसके इसको सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट समझ के इसके इर्द गिर्द ही रोटेट करेगा मेरा कैमरा। अदरवाइज़ हमको काफ़ी रोटेशन करने में दिक्कत आएगी। आप एक्सपीरियंस कर लेंगे उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे। सो आई सजेस्ट कि आप इसको ऑन ही रखें। उसके बाद लोकल सिमेट्रिक एग्जांपल, एक सिमेट्री होती है ज़ीब्रश में और एक लोकल सिमेट्री होती है। जैसे सिमेट्री सिमेट्रिकल ये है और लोकल सिमेट्री फॉर एग्जांपल, जैसे आप इसकी टूल हेल्प में भी देख सकते हैं, इट इज़ यूज वर्किंग टूल विद द बेस्ट कंपोज ऑफ मेनी सब टूल द ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सेंटर इन द मेन ब्ला ब्ला ब्ला। हम लोग इसको आगे कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं, जब हम लोग सिमेट्री और स्कल्पिंग पे आएंगे, ठीक है। इसको अभी के लिए ऑफ कर दीजिए, वरना ये भी बहुत यूज़फुल होता है। जी एक्स वाई जी दिस शोज दैट एक्स वाई एंड जी, सिंपल समझ में आ रहा है। इसको ऑफ कर दें तो वाई सिर्फ ये वाई एक्सिस में रोटेट करेगा और जी तो सिर्फ ये जी में रोटेट करेगा। फ्रेम मूव स्केल पॉली फ्रेम ट्रांसपेरेंट, ओके ट्रांसपेरेंट फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल। आप इसे चेक कर सकते हैं आपकी मैश कहीं इंसर्ट तो नहीं हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने कोई कैरेक्टर बनाया और फिर हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी मैश इंसर्टेड है कि नहीं, तो हम ये ट्रांसपेरेंसी ऑफ कर देंगे शिफ्ट जी से। मैंने हॉटकी लगा रखी है, आप भी चेंज कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी दिस आफ्टरनून, अदरवाइज इट वॉज नॉट विजिबल। ट्रांसपेरेंसी ऑफ कर दीजिए। और घोस्टिंग में ऐसा दिखेगा, घोस्टिंग ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती, एटलीस्ट मैं नहीं इस्तेमाल करता इतनी। सो ट्रांसपेरेंसी एंड प्लस घोस्टिंग तब इस्तेमाल में अच्छी लगती है। और इसको ऑफ कर दिया। सोलो मीन्स जैसे आपका टूल बहुत सारा है, सब टूल से कंप्राइज होता चला गया, मैश हैवी होती चली गई और काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, तो आप इसको सोलो कर सकते हैं। सोलो इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप इसको क्लिक करेंगे तो खाली ये आपका जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है वो सोलो में आ जाएगा। एंड ट्रांसपोज एक्सपोज मीन जैसे आपने बहुत सारे सपोज आपके हैं, जब एक्सपोज क्लिक करेंगे तो दिस इज़ गुड फॉर प्रेजेंटेशन पर्पज, लाइक आपने बहुत सारे सपोज से बनाया है अपना कैरेक्टर, आप सारे सपोज दिखाना चाह रहे हैं कि मैंने बहुत मेहनत की है, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। और फिर इसको क्लिक करेंगे आप इसकी वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, तो वो हम लोग आगे कवर करेंगे अभी, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसका पॉली फ्रेम हम ऑफ कर दें, पॉली फ्रेम ऑफ ना। अगर जैसे ये टूल पैलेट है, टूल पैलेट जी ब्रश थोड़ा डिफरेंट साइज से चलता है, एज नेम सजेस्ट जी ब्रश, तो ये लोग ने ब्रश और पैलेट्स और ऐसे करके कुछ सिस्टम अपना डेवलप किया, ओके। सो टूल पैलेट में हम आएंगे तो हम देख सकते हैं सब टूल्स, सब टूल्स आर मल्टीपल सब टूल्स, लाइक आप अपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसमें अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल इसकी वॉच, इसका हैंड्स, इसका बूट्स, अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसको सब टूल्स बोलते हैं, ज़ीब्रश वाले टूल एंड देन सब टूल्स। सब टूल पैलेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आई बनी हुई है। आई हाँ सिंपल है कि जब हम आई को क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, जब आई को क्लिक करेंगे तो ये वापस ऑन हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे छोटे छोटे ऑप्शन बने हुए हैं, ये बुलियन के इस्तेमाल होते हैं, जैसे इंटरसेक्शन फॉर एग्जाम्पल आइडल के लिए, जैसे माया में हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूनियन बुलियन एंड डिफरेंस, तो वैसे ही है ये। आप देख सकते हैं छोटे छोटे कर्सर बने हुए हैं,
ये हम लोग आगे इस्तेमाल कर लेंगे। ओके एंड दिस ब्रश साइन, जब आप पॉली पेंट करेंगे तो ये ब्रश साइन के इसके लिए दिखा रहा है। उसके आपको इसको नेविगेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं नीचे वाले सब टूल में आ गया और फिर मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ। आप जिस सब टूल में एक्टिव करेंटली होंगे उस सब टूल को जब आप ऑफ़ करेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें हैं और आपने एक बार कस के इसको प्रेस कर दिया, कस के नहीं एक बार इस सब टूल में आके प्रेस कर दिया तो ये सारे सब टूल्स आपके ऑफ़ हो जाएंगे। और अगर आपको इंडिविजुअल सब टूल ऑफ़ करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला पोर्शन ऑफ़ करना है इसका, तो मैं किसी और सब टूल में गया और फिर मैंने इसको क्लिक किया तो ये इंडिविजुअल सब टूल मेरा ऑफ होगा। अदरवाइज़ अगर आप इसी में जाके और फिर इसको क्लिक कर देंगे तो सारे सब टूल्स ऑफ हो जाएंगे सिवाय इसके। फॉर योर प्रेफरेंस आप ये वाला काम सोलो मोड से भी कर सकते हैं और वरना आप किसी और सब टूल में रहिए और उसको जाके ऑफ कर दीजिए, सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी सारे सब टूल्स आपके दिखते रहेंगे और वो ऑफ हो जाएंगे। ओके रीनेम ऑल लोग ऑटो रिकॉर्ड एंड अदर थिंग्स, लाइक आपको अगर इसको अप डाउन करना है तो सिंपल, या फिर आपको पूरा सब टूल को मतलब ये ऊपर नीचे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल सारे सब टूल अपने उसी पोजिशन पर, पर अगर आपको सब टूल ही ऊपर मूव करना है तो आप इसको सब टूल मूव कर सकते हैं। एंड देन लिस्ट ऑल, लिस्ट ऑल सब टूल्स एन, आप जब एन प्रेस करेंगे तो आपके सारे सब टूल्स ऑन कैनवस जहाँ भी आपका कर्सर होगा वहाँ पे आ जाएंगे। देन रीनेम टू सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ऑल लो ऑल हाई ये रेजोल्यूशन है मेश का, इंसर्ट एंड डिलीट, और जैसे आपको कोई नया सब टूल इसमें अपेंड करना है, जैसे नया सब टूल इसमें आपको अपने बाकी एग्जिस्टिंग सब टूल्स के साथ लाना है तो उसके लिए आपको जैसे हम लोग सिंपल ले आते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है इन लोग का। आप अपेंड पे क्लिक करेंगे, अपेंड मीन्स इम्पोर्ट लाइक, तो आप अपेंड पे क्लिक करेंगे उसके बाद यह आपको क्विक पिक दिखाएगा 3D मेश एंड 2.5D ब्रश। तो हम लोग की जो भी मैश होगी जैसे न्यूली क्रिएटेड मैश होगी तो यहाँ पर दिखाएगी और वो थोड़ा पुराना हो जाएगा तो यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको फॉर एग्जांपल ये डॉग को लाना है इसके पास में तो आप डॉग को प्रेस कर दीजिए और ये डॉग इसके साथ आ जाएगा। ओके आप डॉग को सेलेक्ट कर लीजिए और सब टूल में एकदम नीचे आके डॉग को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इसको मूव कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर डिफॉर्मेशन में आके, डिफॉर्मेशन लाइक आप देखते हैं ऑफसेट रोटेट स्केल, आप प्रोसेस को हर तरह मारिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। बस रीसेम एंड स्मार्ट रीसेम अभी हम लोग इसके आते हैं। ओके ग्रुप स्प्लिट, ग्रुप स्प्लिट भी बहुत यूज़फुल रहता है, जैसे कि आपने आप हम लोगों ने देखा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो मल्टीपल ग्रुप्स का बना होता है, जैसे हम पॉलीफ्रेम ऑन करें लेकिन सब ऑन करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया मैंने, मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैनवस में सेलेक्ट करने के लिए ऑल्ट प्रेस करूँगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ओके ऑल्ट मीन क्लिक, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा पूरा कैनवस में ही सेलेक्ट हो जाएगा। बनस्बत जैसे हम लोग यहाँ पे हैं हमारे वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो हम लोग उसको स्क्रॉल करते हुए ऊपर जाएँ और ढूंढें कहाँ है और फिर क्लिक करें, इससे अच्छा हम लोग जहाँ भी क्लिक करते हैं ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक ऑल्ट।